सुखी जीवन का रहस्य। एक बार यूनान के मशहूर दार्शनिक सुकरात भ्रमण करते हुए एक नगर में गए। वहां उनकी मुलाकात एक वृद्ध सज्जन से हुई। दोनों आपस में काफी घुल मिल गए। वृद्ध सज्जन आग्रहपूर्वक सुकरात को अपने निवास पर ले गए। भरा पूरा परिवार था उनका। घर में बहू, बेटे, पुत्र, पोतरियां सभी थे। सुकरात ने बुजुर्ग से पूछा, आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है, वैसे अब आप करते क्या हैं? इस पर वृद्ध ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ईश्वर की दया से हमारा अच्छा कारोबार है, जिसकी सारी जिम्मेदारियां अब बेटों को सौंप दी हैं। घर की व्यवस्था हमारी बहुएं संभालती हैं। इसी तरह जीवन चल रहा है। यह सुनकर सुकरात बोले, किंतु इस वृद्धा अवस्था में भी आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा। आप बताइए कि बुढ़ापे में आपके इस सुखी जीवन का रहस्य क्या है? सज्जन मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक ही नीति को अपनाया है कि दूसरों से ज़्यादा अपेक्षाएं मत पालो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे बहुओं को सौंप कर निश्चिंत हैं। अब वे जो कहते हैं वह मैं कर देता हूँ और जो कुछ भी खिलाते हैं खा लेता हूँ। अपने पौत्र पोतरियों के साथ हंसता खेलता हूँ। मेरे बच्चे जब कुछ भूल करते हैं तब भी मैं चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, पर जब कभी वो मेरे पास सलाह मशवरे के लिए आते हैं तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रख देते हूँ और उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर सचेत कर देता हूँ। अब वे मेरी सलाह पर कितना अमल करते हैं या नहीं करते, यह देखना और अपना मन व्यथित करना मेरा काम नहीं है। वे मेरे निर्देशों पर ही चलें, मेरा यह आग्रह नहीं होता। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वे मेरे पास पुनः आते हैं तो मैं पुनः नेक सलाह देकर उन्हें विदा करता हूँ। बुजुर्ग सज्जन की बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए यह आपने बखूबी समझ लिया है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।